उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज संगम नगरी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसने अपने अंदर सभी धर्मों को संजोए रखा है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज के अंदर स्थित जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्राचीन मंदिर है, जिसे लोग तपस्थली के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर प्रयागराज जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज बनारस को जोड़ने वाले राष्ट्रीय हाईवे के ठीक बगल में प्रकृति के खुले वातावरण में बना है। आइए जानते हैं कौन है ऋषभ देव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहलाए। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है, जिसका अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर अर्थात जन्म और मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान ऋषभ देव जी को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और मोक्ष की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई। ऋषभ देव को पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। इनका विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ था। उनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्रों में सबसे ज्यादा चर्चित भरत थे, पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। यह सबसे बड़े चक्रवर्ती थे। भरत ही भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव प्रयागराज में पहली बार एक स्तंभ के नीचे बैठकर लोगों को जैन धर्म का ज्ञान देते हुए मार्गदर्शन किया था, जो कि यही स्थित है। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 21 फीट है, जिसमें भगवान ऋषभ देव जी के पूरे जीवन का वृतांत लिखा हुआ है। भगवान ऋषभ देव जी के मंदिर की खास बात यह है कि यह कृत्रिम तरीके से कैलाश पर्वत की तरह बनाया गया है। इस पर्वत पर छोटी बड़ी कुल 72 मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इन मंदिरों को 24:3 के आधार पर बनाया गया है, जो जैन तीर्थंकरों के विषय में बताता है, जिसमें 24 भूतकाल, 24 वर्तमान काल और 24 भविष्य काल के तीर्थंकरों के नाम से बनाया गया है। इन मंदिरों को देखने के लिए 127 सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इस कृत्रिम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर भगवान ऋषभ देव जी की 14 फुट की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि पद्मासन मुद्रा में है। मंदिर के अंदर ऋषभ देव जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। यह मंदिर कृत्रिम पहाड़ी नुमा आकृति के अंदर बनाया गया है, जो अंदर से गुंबद नुमा आकार में दिखाई देता है। इस पर नक्काशी द्वारा जैन धर्म की विशेषता, जिसमें त्याग, तपस्या, अनासक्ति और अपरिग्रह को दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर भी जैन धर्म के 72 तीर्थंकरों को दिखाया गया है। मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मंदिर के दोनों ओर हरियाली नुमा पार्क बनाए गए हैं। इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस मंदिर में रोज शाम 6 बजे आरती होती है। उस समय मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। लोग मंदिर के बाहर आरती करते हैं। आरती के पश्चात पुनः मंदिर को खोल दिया जाता है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए परिसर में झूले भी लगे हुए हैं और एक कृत्रिम ऐरावत हाथी भी है, जिस पर बच्चे बैठकर पूरे मंदिर परिसर में घूमते हैं और आनंदित होते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए कैंटीन की भी व्यवस्था है। अगर आप प्रयागराज से हैं या प्रयागराज आएं तो ऋषभ देव जी के मंदिर अवश्य जाएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।